अस्सलाम वालेकुम, अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि अपडेट्स बर वक्त आप तक पहुँच सकें। इस वक्त मेरे पास PIA की उन फ्लाइट्स का मुकम्मल शेड्यूल है जो आइंदा 8 दिन तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हुए पाकिस्तानियों को वतन वापस लेकर जाएंगी। और इस चूँकि ये मेरे मोबाइल में ये सेव है इसलिए मुझे ये पढ़ना पड़ेगा। इसमें मैं ये जिक्र कर दूँ कि ना सिर्फ UAE बल्कि दीगर ममालिक का भी इसमें शेड्यूल है और कुल 20 परवाजें चलाई जाएंगी और जिनमें जो ममालिक शामिल हैं उनमें सिंगापुर है, साउथ अफ्रीका है, बहरीन है, मलेशिया है और इसके अलावा UAE से सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं। और मैं ये शेड्यूल आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले साउथ अफ्रीका से फ्लाइट आएगी 20 अप्रैल को और इसमें 120 मुसाफिर सवार होंगे। दूसरी फ्लाइट है UAE से लाहौर आएगी, इसमें भी 250 मुसाफिर सवार होंगे। ये दो फ्लाइट्स हैं यानी 250 और 250 यानी कुल 500 अफराद इस फ्लाइट से आएंगे। ये दो परवाजें हैं जो कि लाहौर 20 अप्रैल को पहुंचेंगी और एयरलाइन है PIA। इसके अलावा एक और परवाज है जो कराची आज रवाना हो चुकी होगी या होने वाली है, ये भी PIA की परवाज है और इसमें भी 250 और 250 यानी दो परवाजें चलाई जाएंगी जिनमें कुल 500 मुसाफिर सवार हो सकेंगे। बाद में एयरलाइन है जो कि है पेशावर के लिए, ये भी PIA की परवाज है, इसमें 250 मुसाफिर सवार होंगे। उसके बाद मुल्तान के लिए फ्लाइट है, ये भी 20 तारीख को है और इसमें भी 250 मुसाफिर सवार होंगे। बहरीन से फ्लाइट है फैसलाबाद के लिए, ये भी 20 अप्रैल को है और इसमें 250 मुसाफिर सवार होंगे और ये बहरीन एयर की जो फ्लाइट है वो इन मुसाफिरों को लेकर फैसलाबाद पहुंचेगी। उसके बाद साउथ कोरिया से इस्लामाबाद के लिए परवाज है 23 अप्रैल को, इसमें 100 मुसाफिर सवार होंगे, PIA की परवाज से ये आएंगे। फिर मलेशिया और सिंगापुर से कराची के लिए परवाज है 24 अप्रैल को, इसमें 250 मुसाफिर सवार होंगे, ये भी PIA की फ्लाइट है। उसके बाद UK से इस्लामाबाद के लिए, यानी UK से मैं ये वाजे करता चलूँ कि यह मैनचेस्टर से इस्लामाबाद के लिए परवाज आएगी, इसमें 250 मुसाफिर सवार होंगे। फिर UAE से लाहौर के लिए परवाज है 24 अप्रैल को, इसमें भी 250 मुसाफिर सवार होंगे। फिर UAE से कराची के लिए परवाज आएगी 24 अप्रैल को, इसमें भी 250 मुसाफिर सवार होंगे। फिर UAE से पेशावर परवाज आएगी, इसमें भी 250 मुसाफिर सवार होंगे और ये भी 24 को आएगी। इसके बाद UAE से एक परवाज आएगी मुल्तान के लिए, ये भी 24 अप्रैल को है और इस परवाज में भी 250 मुसाफिर सवार होंगे। फिर इसी तरह फैसलाबाद के लिए परवाज है जो कि 24 अप्रैल को है, ये दो परवाजें हैं, इनमें 140 जमा 140 यानी कुल 280 मुसाफिर दो परवाजों में सवार होकर फैसलाबाद पहुंचेंगे। फिर आप देखें तो एक परवाज आएगी ऑस्ट्रेलिया से लाहौर, ये 26 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया से लाहौर के लिए परवाज आएगी और इस परवाज में 250 मुसाफिर सवार होंगे। फिर UAE से इस्लामाबाद के लिए 28 अप्रैल को एक परवाज आएगी जिसमें 250 मुसाफिर सवार होंगे। इसी तरह UAE से कराची के लिए 28 अप्रैल को एक और परवाज आएगी जिसमें 250 मुसाफिर सवार होंगे। फिर कराची के लिए 28 अप्रैल को एक और परवाज आएगी जिसमें 250 मुसाफिर सवार होंगे, यानी 28 अप्रैल को कराची के लिए दो परवाजें हैं जिनमें कुल 500 अफराद या मुसाफिर आएंगे। फिर 28 अप्रैल को ही
मुल्तान के लिए यूएई से एक परवाज आएगी जिसमें 250 मुसाफिर सवार होंगे। इसी तरह यूएई से आखिरी जो फ्लाइट है 28 अप्रैल तक जो जिसका शेड्यूल मेरे पास है वो फैसलाबाद के लिए आएगी, इसमें भी 250 मुसाफिर सवार होंगे और ये भी पीआईए की परवाज होगी। तो अब तक ये 8 दिनों में या 9 दिनों में तकरीबन 20 के करीब फ्लाइट्स जो हैं वो चलाई जा रही हैं, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जिनका मैंने पहले जिक्र किया है उन ममालिक से मुसाफरों को लेकर पाकिस्तान आएंगी। इसमें सिर्फ एक फॉरेन एयरलाइन फिलहाल इन्वॉल्व है और जो ही एमिरेट्स, फ्लाई दुबई या इतिहाद या बाकी जो एयरलाइंस पाकिस्तान आती हैं आम हालात में, अगर उनको हुकूमत पाकिस्तान ने इजाज़त दी तो बैरून मुल्क खास तौर पर दुबई में जो मुकीम जो पाकिस्तानी बड़ी तादाद में हैं उनकी वतन वापसी के सिलसिले में मज़ीद तेज़ी आएगी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि जिस हिसाब से आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है उसी हिसाब से आपका नंबर आएगा और आपको हदायत दी जाएंगी कि आप अबू धाबी के सफारतखाने में या दुबई के कौंसलेट में पीआईए का जो कायम करदा खसूसी काउंटर है वहां से आप टिकट खरीदेंगे, फिर उसके बाद ही आपकी परवाज का फैसला होगा कि किस तारीख और किस दिन आपने किस शहर में जाना है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।